गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू टूडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन. टूडेज चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आर लाइफ, हेल्थ. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, लेट अस सी हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट एंड हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस. सिंस वी आर डूइंग इवनिंग बैच, सो एक्चुअली आई शुड बी आस्किंग टूडेज असाइनमेंट. So, what did, किस किस को याद रहा? तीन बार उसको थैंक यू बोलना तीन लोगों को. आई डिड, आई कंप्लीटेड. वेरी गुड गर्ल. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लाइक आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस व्हाइल सेइंग थैंक यू और व्हाइल राइटिंग थैंक यू. व्हाइल राइटिंग आल्सो एंड व्हाइल सेइंग आल्सो. गुड. I recollected many, many good things. Many good memories with those people. Yeah. Good, good, good. Anyone else would like to share? Thank you for sharing. Thank Anyone you. Else would like to share? Kaisa laga assignment karke? Count your blessings, magic rock. कैसा कुछ भी एक्सपीरियंस, कुछ भी हल्का सा कुछ चेंज. नो शेयरिंग्स. आज मैंने अपनी मम्मी के साथ में वो फोटो देख करके किया, मतलब उनको थैंक्स बोला, तो मतलब है ना जैसे रोना आ गया. और क्योंकि हस्बैंड के इनका नहीं किया मैंने, आप बोले ना तो मैंने नहीं किया. आज मैं गुस्सा भी हूँ थोड़ा इनसे तो नहीं किया. फिर मैं मम्मी से की ना तो ऐसे लगा एकदम डायरेक्टली बात हो रही और इतना रोना आ गया मेरे को. इतनी याद आई है क्योंकि इनसे भी झगड़ा हुआ हुआ है तो उनकी बहुत याद आई. Happens, happens. हाँ. Nice. Thank you for sharing. Thank you. Anyone else? Oh, hello. Yeah. Yeah, Prachi. हाँ एक्चुअली ना कोई आ गया था तो बीच का पार्ट मैंने मिस कर दिया. बट हाँ आप शायद एक्सपीरियंसेस पूछ रहे थे रिलेशन वाले चैप्टर के, राइट? यस यस वही चल रहा है, वही पूछ रही हूँ. ओके. मैंने किया असाइनमेंट एंड आई रोट आल्सो. सो व्हाइल राइटिंग इट वाज डेफिनेटली अ गुड फीलिंग. बट आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे साथ मुझे ऐसा लग रहा है इसका उल्टा असर हुआ. मतलब मैंने लिखा, सब बोला, अच्छा था, दिन में तीन बार बोला, वो सब किया. बट उनमें से जिन दो लोगों के बारे में मैंने लिखा उन दोनों से मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया. मतलब इम्प्रूव तो क्या हुआ, मुझे लगा था आर्ग्यूमेंट ही हो गया. तो ये क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आया. सेम एज सेम मी, मतलब सेम एज मेरे साथ में ही ऐसा हुआ. अच्छा अच्छा. तो हमने कोई मंत्र क्या उल्टा पढ़ दिया. उसको असाइनमेंट समझ के किया क्या? वैसे ऑनेस्टली मुझे भी आज जब मैं कर रही थी तो मुझे असाइनमेंट वाली फीलिंग आ रही थी. मुझे यही लग रहा था सही कंप्लीट करना है. ऑल्दो फीलिंग मेरी जेन्युइन थी, बट हाँ एक वो था कि ये करना है वाली असाइनमेंट वाली चीज थी मेरे मन में कहीं ना कहीं. ओके ओके, इट्स ओके. वो झगड़ा भी हुआ तो प्यार बढ़ने के लिए हुआ, ऐसे सोच के थैंक यू बोल दो. हाँ वो तो ठीक है, बाद में भाई जो भी अपने हैं तो अपन कर लेते हैं मन में. बट मुझे ये लगा आज ही मैंने ये चैप्टर किया और आज ही मैं लड़ ली. और सीमा जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपने फोन पे बात हुई ना एकदम क्रिटिसाइज करना बंद कर दो. कैसा भी चल रहा है, मैं देखो ना मैं इतना ज्यादा सॉरी बोलती हूँ ना फिर भी उनको कोई फीलिंग ही नहीं आती. और मतलब इतना ईगो, बहुत ज्यादा ईगो है मेरे हस्बैंड में, मेरे को पता है इस चीज का. मेरे को नहीं, अब नहीं बोलना सॉरी इनको. मेरे को ऐसे एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा है आजकल, नहीं बोलना इनको सॉरी. उनको सॉरी नहीं बोलना तो ये बात अब अपने आप को भी बार बार मत याद दिलाओ कि उनको गुस्सा हाँ. आता है, वो रेस्पेक्ट हाँ, हाँ, हाँ. वो कह रहे, ऐसा बोलो ही मत. ओके. ऐसे बॉन्डिंग तो इनके साथ ही रखनी है. देखो ऐसे छोटे छोटे बात पे ऐसे थोड़ी ही हो जाता है, लेकिन प्यार भी बहुत है हमारे. ऐसा है, वो तो रहता ही है, हर वाइफ का यही है. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक यू सो मच. और एक सीमा जी ने बोलोगे?
अरे वो मेरी आदत हो गई है एक्चुअली. ऑनेस्टली मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ, पूजा से भी. देखो मैं आप हाँ करके ही बात करती हूँ, चिंकी से मैं आप ही हाँ करके नहीं बात करती हूँ. आराम से तो फ्रेंडली नेचर कैसे होगा फिर, एकदम वो लग रहा है ऐसे. नहीं, वो मेरी आदत है. आई डू नॉट आई मीन वो ऐसा हो जाता है. चलो हु एल्स चिंकी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग एक्सपीरियंस? फॉर नाउ देयर इज लॉट ऑफ डिस्टरबेंस इन द बैकग्राउंड सो मे बी लेटर. ओके लेटर, चलो ठीक है. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. आज अटेंडेंस थोड़ी कम है. यस, डे फोर, मैजिकल हेल्थ. आज की पिक्चर में स्टेथोस्कोप रखा हुआ है और वो डॉक्टर का बैग रखा हुआ है और उसमें से मैजिक निकल रहा है. और उसके पास में एक देखो एप्पल भी रखी हुई है. एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. सबसे बड़ी हमारे जिंदगी की अगर कोई जमा पूंजी बोलते हैं तो वो हेल्थ है. अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारे को फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. गोवा में ले जाके बैठा दो लेकिन सर दर्द हो रहा हो तो वो गोवा भी इंजॉय नहीं करेंगे हम लोग. सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास में हेल्थ ही है. अच्छा हेल्थ है तो सब बढ़िया है. जुकाम पहले लग जाती है तो सारे काम लास्ट में हो जाते हैं, पहले अपन जाके सो जाते हैं. लेकिन क्या कहते हैं ना, ये बात हेल्थ की इंपॉर्टेंस हमें तभी समझ में आती है जब हेल्थ खराब हो जाती है. जब हमें कोई कट लग जाता है तभी उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का अहमियत महसूस होती है हमारे को. कभी हम ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं उसको, कभी नहीं सोचते हैं कि हाँ आज मेरी अंगुलियां हैं तो मैं लिख पा रहा हूँ या कुक कर पा रही हूँ या क्या. लेकिन एक कट आ जाएगा तो उस पर बैंडेड लगाएंगे, उसको 4 बार देखेंगे, फू 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 करेंगे. चैलेंज आना ज़रूरी है हमारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ में ना, तभी हम अहमियत समझते हैं किसी चीज़ के. ये बुक की एक्सरसाइजेज हमें ये बोल रही है कि चैलेंज आने से पहले ही ग्रेटिट्यूड की दुनिया में घुस जाओ ताकि चैलेंज आए ही ना. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आए तो उसका डील करने का तरीका बदल जाए हमारा. जैसे ऐसा नहीं है कि अभी मुझे कभी कभी गैस नहीं बनती, पहले से तो लाइक 99% ठीक हो गया मैं तो ये बोलूँगी. और जो कभी कभी बनती है वो बिना किसी सुपर एक्टिव हाई डोज दवाई के ठीक हो जाती हूँ मैं. कभी कभी तो गर्म पानी पी के 4 चक्कर लगाने से भी ठीक हो जाती हूँ. सो दैट वे इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी फिजिकली मेंटली बोथ. सो लेट अस स्टार्ट विथ रीडिंग ऑफ द चैप्टर. हु वुड लाइक टू रीड टुडे? चिंकी के यहाँ तो डिस्टर्बेंस चला है. है तो या थैंक यू. या हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ एंड येट मोर देन एनीथिंग एल्स वी कैन टेक आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड. फॉर मेनी ऑफ अस द ओनली टाइम वी थिंक ऑफ आवर हेल्थ इज व्हेन वी लूज इट. देन द रियलाइजेशन हिट्स अस, विदाउट आवर हेल्थ वी हैव नथिंग. अभी वायरस सिचुएशन में तो स्पेशली हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें लगने लग गई थी कि हमारे पास टाइम था. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टाइम हमारे पास में ये लॉकडाउन्स में ही था. पैसे भी थे लेकिन हम हेल्थ के चक्कर में ना कहीं घूमने जा रहे थे, ना कहीं बाहर खाना खाने जा रहे थे, ना किसी से मिलने जा रहे थे, ना कोई वीकेंड पार्टीज कर रहे थे, ना कुछ. हेल्थ की इम्पॉर्टेंस तब समझ में आई जब ये पूरा माहौल बदल गया हेल्थ से रिलेटेड. सो वाई डू वी हैव टू ऑलवेज वेट फॉर द माहौल टू यू नो बदलना? क्यों क्यों हमारे को ये चैलेंजेस आने जरूरी लगते हैं तभी हम ग्रेटिट्यूड देते हैं? पहले ही दे लो. There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu, and you were bedridden.
when you are not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. Yeah. So, यहाँ पे जब भी अपन वर्ड हेल्थ पढ़ रहे हैं ना, तो उसको मेंटल एज वेल एज फिजिकल मानो. स्पेशली मेंटल हेल्थ तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स, इनफैक्ट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही साइडलाइन सब्जेक्ट है. एटलीस्ट अब्रॉड में दे टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. यहाँ पे तो कोई मतलब पागल है क्या, तो मिनटों में बोल देंगे. कोई मेंटल हेल्थ की बात करते ही कोई बोले कि भाई मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या कुछ, तुरंत पागल हो गए वो, तो तुरंत बोलते हैं हम लोग कि वो पागल हो गया. सो मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल हम लोग जब स्कॉटलैंड गए, मैं जॉब कर रही थी, एक दिन में 200 लोगों से मिल रही थी मिनिमम है वो, तो 200 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम 200 लोगों से मिल रही थी मैं. और अचानक से स्कॉटलैंड चले गए हम लोग, जहाँ पे मैं सिर्फ एक इंसान से मिल रही हूँ, और वो है ललित, जो सुबह 9 बजे जाता और रात को 5 बजे आता. नॉट रात, बट हाँ वहाँ के लिए तो रात ही हो गई, शाम के 5 बजे आता. सो फ्रॉम मीटिंग टू 200 पीपल इन अ डे टू मीटिंग ओनली 1 पर्सन, मुझे कुछ हो गया. मैं मतलब उसको कह सकते हैं डिप्रेशन हो गया. इंडिया में ये नहीं था, क्या बोलते हैं उस समय 2012 में ना, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप इंडिया कॉलिंग, ये इंटरनेट कॉलिंग नहीं थी. और जो वहाँ का कनेक्शन लिया था मैंने, वो भी काफ़ी महंगा पड़ता था उस समय उस करेंसी के हिसाब से. सो इतना भी नहीं है कि भाई डेली डेली मम्मी को फ़ोन लगा लो या इंडिया में किसी को फ़ोन लगा लो और पंचायत करने बैठ जाओ किसी से, तो कम से कम टाइम पास हो जाता है. टाइम डिफरेंस भी है 5-5.5 घंटे का स्कॉटलैंड और इंडिया में. सो ये सारे फैक्टर्स मिला के अल्टीमेटली मेरे पास में एक ही ऑप्शन था, लैपटॉप को इंटर. अच्छा, टीवी के लिए भी वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस लेने के लिए कुछ और फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ती है. तो हमने लाइसेंस नहीं लिया, टीवी नहीं लिया, तो हमारे घर में टीवी नहीं था. वहाँ टीवी तो खैर हमारे आज भी नहीं, तो लाइसेंस नहीं लिया. तो ओनली ऑप्शन मेरे पास था लैपटॉप में इंटरनेट पे कुछ देख लो. तो उस समय तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, जो भी हैं आज हॉटस्टार और ये सोनी और ये सब जो भी हैं ऑनलाइन, वो सब पहले नहीं था. तो मेरे को कुछ हो गया दिमाग में, पागल हो गई मैं तो. मुझे इतना सुपर बोर होने लगा, इतना सुपर मिस होने लगी ये लाइफ, इंडिया वाली लाइफ, मेरी वर्किंग लाइफ, कि मैं तो वापस आ गई. गए साल भर के लिए थे, लेकिन मैं तो वापस आ गई. सब मेरा अराउंड 6 मंथ में ही वापस आ गई थी मैं. एंड तब मतलब उस एग्जांपल से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेंटल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो स्कॉटलैंड जहाँ लोग घूमने जाते हैं चला के, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़. यस, यू मे नो ऑफ पीपल हु चोज अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड येट स्टिल लॉस्ट देयर हेल्थ. गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर द हेल्थ यू आर रिसीविंग इज वाइटल. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars or marks will start to magically disappear. And you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. Yes. So, इसके पिछले पेज पे मैंने एक लाइन मार्क करी है. People who chose a healthy lifestyle and yet still lost their health. बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो ऑर्गेनिक फूड के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे वहाँ पे US में, और सबसे ज़्यादा बीमार वही पड़ते थे. अगर इंडिया में मैं रिलेट करने वाला एग्जाम्पल दूँ, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री उठा लो. ऐसी कोई
मतलब हस्ती नहीं है बॉलीवुड की जिसके पास खुद का डाइटिशियन ना हो या खुद का फिटनेस ट्रेनर ना हो। जिम जाते हैं वो लोग, अच्छा खाना खाते हैं वो लोग, पॉश पॉश खाना खाते हैं, बोलते हैं ना एकदम हाई क्वालिटी खाना खाते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल है उनको। लेकिन फिर भी 2020 में ही देख लो कितने सारे वी लॉस्ट देम बॉलीवुड इंडस्ट्री से। हाउ मेनी लाइक समवन इज हैविंग कैंसर, समवन इज समवन डाइड ऑफ दिस थिंग हार्ट डिजीज, समवन डाइड ऑफ सम लीवर। हर इंसान के पास में रिसोर्सेस थी, हर इंसान के पास में डाइटिशियन था, फिटनेस ट्रेनर था, जिम जाने के लिए पैसे थे, ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए पैसे थे, ऑलिव ऑयल में खाना खाते होंगे शायद, लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ की कमी रह गई थी। कौन जाने वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही हो। सो ग्रेटिट्यूड इंश्योर्स कि आप जो खा रहे हो वो आपके तन को लगे। ग्रेटिट्यूड इंश्योर्स कि आपकी हेल्थ या तो खराब हो ही ना, और या हो तो ये सब मैजिकली डिसअपियर। अगेन आई हैव हाईलाइटेड द वर्ड मैजिकली डिसअपियर हो जाता है। जैसे मैंने अभी अभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोगों को बताया, सिर्फ गर्म पानी और 4 कदम इधर उधर टहल लेने से मेरे को ठीक हो जाता है। जबकि मैं पैंडी लेती थी 40 mg का, 40 mg का सुबह एवरी डे लेना पड़ता था मुझे। यहाँ पे मेरे को सॉरी यहाँ पे मुझे एक आयरन बॉक्स से जलाया था मेरी बहन ने, जो कि अभी हंस रही है। जो व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट उसने ऐसा कपड़ा फेंका, आयरन बॉक्स के ऊपर गिरा वो, और वो मेरा हाथ जल गया। ये मार्क ही डिसअपियर हो गया 2020 में तो एकदम ही साफ हो गया। हल्का हो रहा था डे बाय डे डे बाय डे, 2012 से लेके अभी तक मैं बहुत हल्का हो गया, लेकिन फिर भी अभी तो एकदम ही गायब हो गया। पिछले 1 साल में तो एकदम गायब हो गया ये। मुझे तो इनफैक्ट याद ही नहीं रहता है कि यहाँ पे अब कोई मार्क भी है मेरे। So that is the magic. You will experience it for yourself, then only maybe you guys will also vouch for this. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude. यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूंगी कि वेन एवर यू आर टेकिंग अ शावर, जब नहा रहे हो आप, सोप लगाते लगाते उस पर्टिकुलर हिस्से में जितने बॉडी पार्ट्स के नाम आप ले सकते हो, फेस पे लगाए रहे हो, नोज आईज ईयर माउथ टीथ गम्स, ब्रश कर रहे हो गम्स टीथ, जितने बॉडी पार्ट्स के नाम के शुक्राने कर सकते हो, खाली बस इतने बोलते जाओ, थैंक यू फॉर माई ग्लोइंग स्किन, थैंक यू फॉर माई यूथफुल स्किन, थैंक यू फॉर माई प्रॉपर विजन, थैंक यू फॉर माई प्रॉपर, जो बोलना है बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाओ नहाते समय। एक पानी से नहा रहे हो तो पानी एब्जॉर्ब करता है आप जो बोल रहे हो तो जल्दी आसान आता है, दूसरा इसी बहाने आपके शुक्राने हो जाते हैं, और तीसरा ये एक परफेक्ट समय है शुक्राने करने का आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि उस समय सिर्फ आप और आपकी बॉडी और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सो दैट इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू पे ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. घाव हो जाते हैं ना जल्दी भर जाते हैं आजकल, मतलब जब अपने को कट लगता है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रात में जल्दी हील होता है वो, दिन भर में लेकिन और दिन भर में वो इतनी जल्दी हील नहीं होता। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस क्या था कि दिन में हम अपन काम करते हैं ना, तो इसलिए वो यूज आता है ना बॉडी पार्ट, इसलिए जल्दी हील नहीं होता रात को आराम। नहीं, रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है, वो तुरंत डॉक्टर बन के, सबकॉन्शियस माइंड वॉज डेवलप्ड वेल बिफोर कॉन्शियस माइंड, वो उसको सब पता है कि कहीं कट लग जाए तो कैसे रिपेयर करना है, वो डॉक्टर बन जाता है रात को और तुरंत इंस्ट्रक्शंस चालू हो जाते हैं उसके, अननोइंगली सबकॉन्शियसली आपके इंस्ट्रक्शंस चालू हो जाते हैं, वहाँ जाओ सेल्स को बोलता है जाओ वहाँ पे जाओ ऐसे 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 करो। वो जुड़ जाता है। सो ये वैक्सीन भी है, आपको बचाता है, एंटीटॉक्सिन है, टॉक्सिन से बचाता है आपको, और एंटीसेप्टिक भी है।
The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. जितनी डिग्री जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतने मैजिक्स महसूस करोगे, जितना कम ग्रेटिट्यूड दोगे उतने अड़चने चिड़मिन बोलते हैं ना शरीर में, चिड़मिन चलती रहेगी हमेशा ही। अब तो हम सभी दूजनों को छोड़ के सभी 35 years old से ऊपर है, अपन लोग 3 35 से ऊपर है, चलो 30 बोलती हूँ, 30 भी नहीं, चिंकी तो 28 29 है, सो अप्रोचिंग 30s। सो एज एंड व्हेन वी अप्रोच 30 की लाइन हिट करते ही अपन को अचानक से सेटबैक महसूस हुआ होगा हम सबको, कि अचानक से कोई पहली झुर्री आई होगी, या पहली बार कुछ स्किन में फील, कुछ पिगमेंटेशन या कुछ आया होगा, किसी किसी को ग्रे हेयर, मेरे को तो लास्ट ईयर आया पहला, सो किसी किसी को ग्रे हेयर भी आ जाता है 30s में हिट करते ही। सो ग्रेटिट्यूड ना ये सब चीज़ों को स्लो कर देता है, हमारा 30s को 38 कर देगा शायद, हर चीज़ को डिले कर देता है, मतलब वाइटैलिटी लाता है हमारे, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। एक ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आने से पहले व्हेन वी वर लिविंग इन प्रीवियस अपार्टमेंट, 11th floor पे था हमारा घर और लिफ्ट ख़राब हो गई एक दिन, और या लाइट चली गई, पता नहीं कुछ तो भी हुआ, और मैं नीचे थी, नीचे से ऊपर आने में मैंने कम से कम 15 बार रेस्ट लिया होगा, कम से कम 15 बार बता रही हूँ मैं। एक तो मैं अस्थमेटिक, ऊपर से फिर वो मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया, एकदम चलने की आदत छूट गई थी, यूएस से नए नए आए थे तो चलने की आदत ही छूट गई थी एकदम, तो इतने ऊपर तक चढ़ के आई मेरे नीली जम गई मेरे पैर में 2 दिन तक तो। सो वॉट इज दैट डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हेल्थ, मेरे में एनर्जी नहीं थी, मेरे में वाइटैलिटी नहीं थी, मुझे इम्यून सिस्टम तो माशाल्लाह है मेरा, वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम चैलेंजेस रहते हैं मेरे को, और जब अपन थोड़ा भी कोल्ड या कुछ बीमार रहते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहता है, सूझते नहीं है, आइडियाज नहीं सूझते हमारे को। सो अगर इनमें से यदि आपको कुछ भी फील हो रहा है, वॉट एवर इज योर एज, अगर उस एज से छोटे महसूस नहीं कर रहे हो ना आप, जवान महसूस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका ग्रेटिट्यूड बाकी है, ग्रेटिट्यूड अभी से स्टार्ट करो, यू शुड बी फीलिंग लेसर देन योर एज, जवान महसूस करने चाहिए, हम देख के बोलने चाहिए कि अरे आप तो लगते ही नहीं हो यार 38 39 के, मतलब ऐसे ऐसे हेल्दी होने चाहिए अपन। और ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आने के बाद लास्ट व्हेन जिम मैं गई थी, लास्ट 38 मिनट्स लगातार मैं ट्रेडमिल कर रही थी लास्ट, सो डेफिनेटली इट मैटर्स, इट चेंजेस। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. एक बुक है एकेगाय, आई एम नॉट श्योर इफ प्राची ने पढ़ी हो तो, शी इज अ बुक लवर। नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई हैव आई नो अबाउट दिस। या सो एकेगाय में क्या बताते हैं कि एक जापान में एक गांव है, नाम तो मैं भूल गई उस गांव का, सो वो पूरा का पूरा गांव कलेक्टिवली कम्युनिटी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, नेचर के पास रहता है, खुश रहता है, सेलिब्रेशंस करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को ना जश्न मनाते हैं वो लोग, हमेशा हर बात पे खुश रहते हो। लाइव एग्जांपल है हमारे सामने, वो रिसर्च के का मैटर है कि उनके यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज 135 ईयर्स, हर इंसान वहाँ पे 100+ ईयर्स जीता है। सो हम भी तो कर सकते हैं ना अपनी लाइफ के साथ में ये, ऑल वी हैव टू डू इज पे ग्रेटिट्यूड, बी हैप्पी, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरी। स्ट्रेस के कारण क्या, मतलब अभी बोल नहीं सकती मैं, पर हमने हमारी लाइफ का क्या कर लिया है। लंदन में 2007 की बात बताते हूँ, लंदन के पास एक छोटा सा गांव है कोवेंट्री,
गांव नहीं बोलते वहां तो, सबर्ब्स बोलते हैं. सो कोवेंट्री में मेरा ऑफिस था, और ऑफिस 5 बजे छूटता था, और वहां पे दुकानें सारी 5, 5:15, 5:30 इसके बीच में शटर डाउन हो जाते थे. सो इंडिया आ रही थी मैं वापस, और मुझे गिफ्ट्स लाने थे. भाग भाग के ऑफिस से मैं गई कि अरे यार शटर डाउन हो जाएगा, भागू मैं फटाफट. मेरा खुद का ऑफिस 5 बजे खत्म हुआ है, मैं भाग के पहुंची, हाफ शटर डाउन हो चुका था, मतलब 5:15 हो चुके थे. सो आई सेड कि भैया मुझे अंदर आने दो, आई वॉन्ट टू परचेज समथिंग. तो वो मुझे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है वॉट यू वॉन्ट? तो मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू हैव अ लुक अराउंड. तो बोलती है नहीं, फिर कल आना. क्योंकि उसे पता था कि अगर मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं सीधा सीधा वहां जाऊंगी और उठाऊंगी और बिलिंग काउंटर पे आ जाऊंगी 15 मिनट में बाहर, 5:30 बजे वो लोग भी बाहर. लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे देखना है, तो मैं और टाइम लगाऊंगी, तो वो 5:30 बजे शटर डाउन नहीं कर पाएंगे. तो क्या सारी कमाई हमारे इंडियंस को ही करनी होती है? उनको नहीं करनी होती है. अब इंडियंस क्या करते हैं, आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज टू वर्क फॉर सोनी वर्ल्ड, 2-2 बजे तक शटर खुले रहते थे हमारे. अगर कस्टमर अंदर है तो शटर खुला है. बहुत बार मैं 1:30 बजे 2 बजे घर पहुंची हूँ, दिवाली के दिनों में तो स्पेशली. आई रिमेम्बर, मतलब कस्टमर को भगवान, एक्सक्यूज मी, भगवान मान के अपन कभी मना ही नहीं करते. शटर डाउन कर रहे होते थे और अचानक से कोई इंक्वायरी आ जाती, कोई कस्टमर आता, ये वाला बॉर्डर है क्या, तुरंत लाइट वापस जला देते हम लोग कि हाँ आओ आओ आओ, देखो देखो देखो, सारी कमाई हमें ही करनी है. ये एक वर्क लाइफ बैलेंस हम लोगों को सिखाया ही नहीं जाता यहाँ पे. हमारी हेल्थ को हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते. देना जरूरी है. इनफैक्ट बीपीओ इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री वालों को भी मैं बोलूंगी, खाना लगा पड़ा रहता है. मेल भेज के आ रहा हूँ, मेल भेज के आ रहा हूँ, 50 बार जाके मैं रिमाइंड कराऊंगी, खाना लगा है पहले खाना खा लो. बोला मत करो फिर मुझे कि खाना लगा दो, बोल दिया तो खा लो. अरे ऑफिस में भी तो छुट्टी लेते थे ना, 20 मिनट के लिए तो जाते थे ना कैफेटेरिया. घर में काम कर रहे हो तो मतलब खाना भी यहीं खाओगे लैपटॉप के पास. यही मेंटेलिटी के साथ हम बड़े हुए हैं. हमें सिखाया नहीं गया है कि वी आर, योर हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. ऑल दिस स्ट्रेस, ऑल दिस टेंशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेज. बाल उड़ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, और रिलेशनशिप की तो बैंड बजी रही है. यस You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major cause of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. Physical immunity, मतलब physical health भी improve होती है, mental immunity भी improve होती है. जब हम count your blessings कर रहे हैं, gratitude दे रहे हैं, gratefulness की zone में रहते हैं, तो हमारा और negativity से दूर रहते हैं, तो हमारा mental पीस, कामनेस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और हम शांत हो जाते हैं दिमाग से. गुस्सा, सबसे पहले गुस्सा कंट्रोल हुआ है मेरा, सेकंड बाद में इम्पैक्ट्स आए हैं जो भी. हालांकि अभी तक हस्बैंड ने नहीं बोला है कि तेरा गुस्सा कम हो गया है, वो बोलेगा उस दिन, वो मैं सक्सेस मानूंगी. तो या मैं अपने आप में फील करती हूँ कि पहले मुझे ट्रिगर हो जाता था तुरंत, लेकिन अब सोच समझ के बात करती हूँ मैं. मुझे जिस पे वाकई लगता है कि अन्याय हुआ है, वहीं पे मैं गुस्सा करती हूँ बस अब. सो यस, इट इम्प्रूव्स योर फिजिकल इम्यूनिटी एज वेल एज योर मेंटल इम्यूनिटी. या तो स्ट्रेस वरी होगा ही नहीं, या होगा तो यू विल नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट. यू हैव द मैजिकल की, जादुई चाबी है आपके हाथ में, जादुई चिराग लग गया है आपके हाथ में. जैसे ही गुस्सा आता है मुझे, तुरंत मैं मेरी कॉपी लेके ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देती हूँ. अपने आप एक हॉर्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, आई गेस, दैट गेट्स रिलीज्ड, एंड हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस जोन में आ जाते हैं. चार केमिकल्स के बारे में जानती हूँ शायद मैं. डोपामिन इज प्लेजर के लिए, जब हम प्लेजर में होते हैं तब वो रिलीज होता है.
ऑक्सीटोसिन जब हम हैप्पी होते हैं तब वो रिलीज होता है. तो ये दो स्पेशली ना ग्रैटिट्यूड करने से बढ़ जाते हैं, बैलेंस हो जाता है, तुरंत आपको नेगेटिव फीलिंग जोन से निकाल के ले आते हैं. यस, द मैजिकल हेल्थ प्रैक्टिस बिगिंस विद रीडिंग थ्रू द फॉलोइंग पैराग्राफ्स अबाउट द हेल्थ ऑफ योर बॉडी. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for the part of your body. Yeah. Remember so since that, author is asking us to close our eyes and mentally repeat it. So what I'll do, I'll read it. इसके आगे से मैं पढ़ती हूँ और आप लोग आंख बंद करके महसूस करो और फिर मुझे बताना कि कैसा रहा. सो इफ यू गाइस कैन स्विच ऑन द कैमरास वुड बी अ ग्रेट हेल्प. आफ्टर यू रीड ईच इटैलिसाइज्ड लाइन फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्लोज योर आईज एंड मेंटली रिपीट द इटैलिसाइज्ड लाइन, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply, and the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. Yes, so close your eyes, focus on your breath. Take deep breaths. Deep breath in. Hold. Out. Deep breath in. Hold. Out. Deep breath in. Hold. Out. Think about your legs and feet. चलने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं. थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स यू यूज योर लेग्स फॉर. बैलेंस कर पाते हो, खड़े हो पाते हो, बैठ पाते हो, एक्सरसाइज कर पाते हो, डांस कर पाते हो. वाह, कितनी डांस पार्टीज अटेंड की है हमने. सीढ़ी भी चढ़ पाते हो, कार भी चला पाते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, चल पाते हो यार, चल पाते हो अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह, एक कमरे से दूसरे कमरे, बाथरूम तक, किचन में, पार्किंग लॉट तक, स्टोर्स में, सड़क पे, एयरपोर्ट पे, और बीचेस. कितनी सारी फोटोज खींची हैं हमने बीच पे, भागते हुए, दौड़ते हुए. कितनी फ्रीडम का एहसास दिलाता है ये, लाइफ एंजॉय कराने करने का मौका देता है ये. थैंक यू फॉर माय लेग्स एंड फीट, रियली मीन दैट थैंक यू. Now think about your arms and hands. एक दिन में कितनी सारी चीजें उठा पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं. सोचो कि किसी ने अगर हमारा हाथ बांध दिया हो तो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना. नॉन स्टॉप यूज करते हैं हम उनको, लिखने में मदद करते हैं, खाना खाने में, फोन उठाने में, कंप्यूटर चलाने में, शावर लेने में, ड्रेसअप होने में, बाथरूम यूज कर पाते हैं, चीजों को उठा पाते हैं, चीजों को पकड़ पाते हैं, ऑल बाय आरसेल्फ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है हम लोग, जस्ट बिकॉज हमारे पास में ये आर्म्स और हैंड्स हैं. थैंक यू. Thank you for my arms, hands, and fingers.
थिंक अबाउट योर अमेजिंग सेंसेस, सेंस ऑफ टेस्ट, कितने सारे मज़े कर पाते हैं हम, वो फेवरेट लेमनेड, वो फेवरेट आइसक्रीम, वो फेवरेट पिज़्ज़ा, ऑल द टेस्ट, ऑल बिकॉज ऑफ द टेस्ट बड्स, वॉट एवर वी ईट एंड ड्रिंक. जब जुकाम हो जाता है और वो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा होता है ना, अच्छा नहीं लगता कुछ भी. All we want is our ability to taste food and drinks back. Say thank you. Thank you for my amazing sense of taste. Your sense of smell. Wow, कितने सारे experiences होते हैं इसके कारण. The beautiful fragrances of life. Flowers. परफ्यूम्स, वो नई नई धुली धुली शीट्स, डिनर जब बना रहे होते हैं तो वो दाल का तड़का, वो कैंप फायर, वो समर्स में जो हवा के साथ हम एक भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है, वो जब घास काटने वाला होता है आता है और घास काटता है तब कैसी खुशबू आती है ना, और वो बारिश, बारिश होने के बाद में जो अर्थ की स्मेल आती है. All this we can sense because we have the sense of smell. Say thank you. Thank you for my wonderful sense of smell. Socho, agar kisi ko chhune ka sense nahi hota hamare paas mein toh, if we didn't have a sense of touch, कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, सॉफ्ट है, शार्प है, स्मूथ है, रफ है, पता ही नहीं चलता. किसी ऑब्जेक्ट को फील ही नहीं कर पाते. अपने लव्ड वन को कैसे प्यार करते, उसके गाल को छुआ था आज, कैसे कैसे कर पाते, वो हग्स की फीलिंग कैसे आती. ये सेंस ऑफ टच बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों को सबसे प्रेशियस थिंग मिली है. कितने लवली मोमेंट्स, ऑल बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ टच. से थैंक यू. थैंक यू फॉर माय प्रेशियस सेंस ऑफ टच. थिंक अबाउट द मिरेकल ऑफ योर आईज, जिसके कारण हम अपने लव्ड वंस का फेस देख पाते हैं, फ्रेंड्स को देख पाते हैं, पेपर्स पढ़ पाते हैं, बुक्स पढ़ पाते हैं, ईमेल्स पढ़ पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, इस नेचर की ब्यूटी को देख पाते हैं. कोई अगर 2 मिनट के लिए हमारी आंख पे पट्टी बांध देता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता. तब हमें आंखों की अहमियत समझ में आती है. से थैंक यू. थैंक यू फॉर माय आईज दैट इनेबल मी टू सी एवरीथिंग. थिंक अबाउट योर ईयर्स, विच इनेबल यू टू हियर योर ओन वॉइस. और दूसरों की आवाजें भी तो, आवाज सुनाई देती है तभी तो हम बात कर पाते हैं. फोन कैसे यूज कर पाते अगर सेंस ऑफ हियरिंग ही नहीं होती तो. म्यूजिक कैसे सुन पाते, रेडियो कैसे सुन पाते, अपने प्यारे प्यार करने वालों की बातें कैसे सुन पाते. और ये जो बर्ड्स की चहचहाट है वो कैसे सुनते. जो नदी के बहने की आवाज है, पानी के बहने की आवाज है, वो कैसे सुनते, कैसे इंजॉय करते ये सब. से थैंक यू. थैंक यू फॉर माई हियरिंग. और ये सारे सेंसेस बेकार होते अगर हमारे पास ब्रेन ही नहीं होता तो. ये ब्रेन ही तो है जो मिलियंस ऑफ मैसेजेस एक सेकेंड में प्रोसेस कर देता है. ये ब्रेन ही तो है जब जो हमारे सारे सेंसेस को इंस्ट्रक्शंस देता है.
ये ब्रेन ही है जिसके कारण हमें एक्चुअली ये एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हो रहे हैं, और ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी ऐसी पावर है हमारे ब्रेन में जो कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डुप्लीकेट नहीं कर सकती है. से थैंक यू फॉर माय ब्रेन एंड माय ब्यूटीफुल माइंड. क्या क्रिएटिव आइडियाज देता है ये ब्रेन. थिंक अबाउट द ट्रिलियंस ऑफ सेल वर्किंग अनसीजिंगली 24/7 फॉर योर बॉडी, फॉर योर लाइफ, फॉर योर हेल्थ. से थैंक यू सेल्स. थिंक अबाउट द लाइफ सस्टेनिंग ऑर्गन्स कंटिन्यूसली फिल्टर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं हमारी बॉडी में सब कुछ. बोलना ही नहीं पड़ता इन लोगों को कुछ, अपने आप खाना पचा देता है, अपने आप हार्ट बीट हो रहा है, अपने आप किडनी फिल्टर कर रही है. So blessed. Thank you organs for working perfectly. Mere liye, thank you. और सबसे ज्यादा miraculous हमारा heart. एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता यार. धड़क रहा है बस, धड़क रहा है. Consistently हमारे लिए कितना थैंक यू दूं मैं इसको. एक पल को तो मेरा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन हार्ट कभी नहीं. 24/7 365 days धड़क रहा है बस, मेरे लिए धड़क रहा है ताकि मैं जिंदा रहूं. थैंक यू फॉर माई स्ट्रांग एंड हेल्थी हार्ट. Whenever you're comfortable, open your eyes. In order of my screen, Pooja Mundra, share your experience. Sorry, you said my name? Yeah. आपने ये मेरे को आई थिंक हाफ पहले भी कराया था. तो दैट टाइम आई रियलाइज यस माय हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूअसली, इट्स वर्किंग कंटिन्यूअसली व्हिच आई फॉरगॉट. एंड फ्रॉम दैट टाइम एक्चुअली आई एम पेइंग ग्रैटिट्यूड एंड आल्सो टू माय अदर ऑर्गन्स. यस वेरी नाइस. यस to other organs I've already done, like in the morning what we have to do, no? So I've already done that. ये already done नहीं, ये continuous process है, करते रहना है. I'm already doing it. हाँ. Okay. I'm doing it. Yeah. Keep doing. Keep practicing. Thank you. Thank you for sharing. Chinky. जैसे दीदी ने कहा दैट वी नो इट्स वर्किंग, वी नो वी डू दिस एवरी डे, बट वी डोंट रियलाइज वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव. जब दूसरों को देखते हैं, सामने वाला आंदा है, उसको देख के ऐसा लगता है शिट लाइफ इज सो, आई मीन आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव व्हाट ही इज मिसिंग. सो या आई एम ग्रेटफुल. एंड मैंने भी लिखा है लाइक इन द But blessings. Then count my blessings, but yeah, I'll continue doing that. Thank you for sharing. Seema, aap kar paaye? मैं आधा कर पाई. आधे में मेरे हस्बैंड आने तो खाना खिलाने लगते, लेकिन जितना भी था सुन रही थी ना, तो रियलाइज हुआ कि कितना वर्क करता है अपने बॉडी में. आज पता चला, अच्छा लगा. थैंक यू फॉर शेयरिंग. प्राची. हाँ, इस बात पे ना मुझे एक बात याद आई. आई डोंट नो अगर आप में से कितनों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी,
मुझे याद, ये हमेशा से याद रहती है, आज आपने वापस याद दिलाई है। स्कूल में 5th क्लास में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हिंदी की बुक थी एक हमारे, जिसमें एक स्टोरी थी। तो उसमें ये बोलता था, एक आदमी था जो बहुत खुश रहता था, और किसी ने उससे पूछा कि तुम इतने खुश क्यों रहते हो। तो उसने बोला, मेरे पास 10 नौकर हैं, मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो लोगों ने सोचा, इसके पास कहाँ नौकर है। देन ही टोल्ड वन डे कि मेरी 10 उंगलियां हैं, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे 10 नौकर हैं, मेरे सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और वो बात मेरे दिमाग में, आई डोंट नो व्हाई, तब से बैठी हुई थी और हमेशा से आज तक है। तो आई, यस, आई वेरी मच रिलेट टू दिस थिंग। और इनफैक्ट कभी कभी अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज मुझे लगती है यार ये भी नहीं हो रहा है लाइफ में, ये भी गड़बड़ चल रहा है, यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा, देन अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करने के लिए मैं हमेशा ये चीज सोचती हूँ कि जो बेसिक है अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, दैट इज डूइंग सो वेल। बाकी सब कितना भी हो जाए, अगर वो नहीं चलेगा तो बाकी चीजों का कुछ है नहीं। तो यस, एंड इसी बात पे एक चीज और बोलना चाहूंगी, मैंने परसों ही अपने हस्बैंड को भी बताया था। तो देर वॉज दिस न्यूज कमिंग ऑन NDTV, जिसमें कोई वो था, मतलब IFS था, IFS ऑफिसर इंडिया का, ही वॉज बेस्ड आउट इन फ्रांस एज एन एम्बेसडर, मतलब पहले एक्स IFS ऑफिसर। तो ही कमिटेड सुसाइड, सो बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग फ्रॉम हिज हेल्थ। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला कि यार इमेजिन इसके पास कितना पैसा, पावर, सब कुछ इसने देख लिया अपनी लाइफ में, जो भी यस बेस्ट देख सकता था, स्टिल ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव। वाई? बिकॉज उसके पास इतना कुछ होने के बाद भी वो हेल्थ नहीं ला पाया अपने लिए। सो वी शुड बी वेरी हैप्पी दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, टच वुड। यस व्हेनेवर आई हियर एनी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये जैसे CCD वाले ने अभी सुसाइड किया था, सो मैं ये हमेशा ये सोचती हूँ कि यार कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे किसी और चीज, मतलब चलो ठीक है आप कर्जे में थे, कैसे कैसे स्टेप उठा लिया आपने ये इतना बड़ा। मतलब मुझे लगता है लाइफ इज सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। हमें मतलब स्टूडेंट्स भी जो कर लेते हैं ना सुसाइड, वो फेल हो जाते हैं कुछ भी रीजन से, मुझे लगता है किसी की लाइफ में कोई जॉब, कोई पढ़ाई, कोई लड़का लड़की इतना मैटर नहीं करना चाहिए कि आप उसके लिए अपनी लाइफ दे दो। सो एंड यस, यहाँ पे इसी बात पे मैं एक बात बोलूंगी कि ये जो हाउसवाइफ्स अपने पति के पीछे अपनी पूरी स्ट्रेसफुल लाइफ जो जीती है ना, दे शुड, या मतलब स्टॉप डूइंग इट। एक पेस्ट कर लेना चाहिए कि मेरी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं मेरी सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, एग्जैक्टली सेल्फ वो कोई नहीं जाने लव, वाला है आपके सेल्फ साथ। लव जो है ना, मतलब अगर आप खुद से खुश नहीं हो तो आप दूसरे को खुश रख ही नहीं सकते। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आप खुश रहो, खुशियाँ आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगी, आप अपने आप से प्यार करो, प्यार करने वाले आपकी लाइफ में आ जाएंगे। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। सो आई रेड टिल हियर, Have to start from next. यस। Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters, "The gift of health is keeping me alive." बिग बोल्ड लेटर्स, डू नॉट राइट विथ ब्लैक पेन, ग्रीन पेन है बहुत बढ़िया, नहीं तो रेड पेन, ब्लू पेन से लिख लेना। ये बोल रही है एक ही कार्ड बनाने को, मैं बोलती हूँ दो बना लो, ताकि एक बाथरूम सिंक एरिया पे लगा लो मिरर पे, और एक किचन कैबिनेट पे जहाँ कि हम अक्सर जाते हैं। जो लोग काम करते हैं वो जहाँ स्टडी डेस्क है, जहाँ पे आप काम करते हो, वर्किंग डेस्क है आपका, वहाँ पे लगा लो। द प्लेस वेयर यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, वेयर यू सी द कार्ड ऑफन, प्लेस इट देयर। बाथरूम मिरर तो हम डेफिनेटली रोज देखते ही हैं, तो वहां तो जरूर लगाइए आप लोग। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. और जितनी बार देखना Today, है, जितनी बार देखेंगे उतनी बार क्या करना है, लेट्स रीड। today on at least 4 separate occasions, when you see the words
read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. So आप ये जो लिखेंगे वो आप plain paper पे भी बना सकते हो, मतलब fancy बनाना चाहते हो, थोड़ा decorations करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आपकी creativity दिखाना चाहते हो दिखाओ, लेकिन pen का color सिर्फ green, red और blue, in the order of my preferences, green, green नहीं है तो red, red नहीं है तो blue, इसमें ही लिखिएगा big, bold letters. जब भी इस आज की असाइनमेंट मतलब कल सुबह से आपको ये करना है कि उसको चार बार तो मिनिमम देखना ही है आपको उस कार्ड को, फोर डिफरेंट ओकेजन्स, सुबह दोपहर शाम रात कर लो आप चाहो तो, चार डिफरेंट ओकेजन्स पे देखना है उसको, धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़ना है और खूब सारा ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता महसूस करनी है फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. हिंदी में अगर आप बनाना चाहते हैं तो हिंदी का पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में तो शेयर किया था, उसमें है स्वास्थ्य ही जीवन का उपहार है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and gist of our life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. Yeah, वो secret movie I hope सबने देख ली है. नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो. उसमें जो मिरेकल मैन की स्टोरी है, जिसको 308 फ्रैक्चर्स हो गए थे, प्लेन से गिर गया था वो नीचे और लंग्स तक टूट गए थे उसके, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, पर उसने सिर्फ विजुअलाइज कर करके कि मैं क्रिसमस पे अपने क्या बोलते हैं अपने पैरों पे चल के इस हॉस्पिटल से निकलूंगा, उसने कर दिखाया. 8 महीने लगे लेकिन उसने कर दिखाया. सो ग्रैटिट्यूड अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल मेडिकल मेथड्स, दवाइयाँ भी लो और ग्रैटिट्यूड भी करो. ऐसा नहीं कि मैं ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ तो अब मुझे बीपी की दवाई नहीं लेनी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लेनी, थायराइड की दवाई नहीं लेनी, ऐसा नहीं करना भाई. ग्रैटिट्यूड के साथ में लो, जब दवाई मुँह में डाल रहे हो तब भी उसे बोलो थैंक यू अंदर जाके, तू इतना मस्त काम कर, फिर देखो कैसे मस्त काम करती हो. वाइटामिन्स ले रहे हो तो भी बोलो थैंक यू, पानी पी रहे हो तो भी बोलो थैंक यू. हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, जब आप पानी को थैंक यू बोलते हो वो उसी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके अंदर जाके आपके पॉजिटिविटी फैलाता है. सो ये एक टेक्निक भी है, वाटर टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आपका जो भी सपना है उसको ऐसे बोलो जैसे कि सच हो गया. सो सपोज किसी को 50 kg का होना है तो उसको पानी को बोलो कि आई एम फिट एंड हेल्दी एट एन आइडियल वेट ऑफ 50 kg और उसको पी जाओ, बहुत जल्दी असर आ जाता है. सो सिमिलरली आई एम अ मनी मैग्नेट बोल के पानी को पी जाओ, बहुत जल्दी मनी मैग्नेट बन जाओगे आप, पैसों के चुंबक बन जाओगे आप लोग. सो वैसे छोटी छोटी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बना लो अपनी पॉजिटिव, जो आप पानी को बोल के पानी पीने के टाइम पे, इनफैक्ट आपके घर में यदि कोई बीमार है तो उसको पानी जब भी दो, थैंक यू फॉर उस पर्सन का नाम गुड्स हेल्थ, थैंक यू फॉर अपनी खुद की हेल्थ के लिए चाहिए तो थैंक यू फॉर हीलिंग माई थ्रोट, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं बोल रही थी अपने थ्रोट के लिए, थैंक यू फॉर हीलिंग माई थ्रोट. सो जल्दी आराम आता है. यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 4, मैजिकल हेल्थ. फर्स्ट repeat steps 1, 2, 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, on a piece of paper or card, write the words, "The gift of health is keeping me alive." Third, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Fourth, on at least 4 occasions, read the words,
वेरी स्लोली एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ हेल्थ. फिफ्थ, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टू नाइट, होल्ड योर मैजिक बुक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड. मैजिक बुक नहीं, मैजिक रॉक, सॉरी, मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे. थैंक यू फॉर रीडिंग. काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक की एक्सरसाइज हमारी सेम है. आज की नई एक्सरसाइज आपको एक पेपर पे या कार्ड पे, कोई भी पेपर चलेगा, लाइन वाला, मैथ्स के वो कॉलम्स वाला, कोई भी जिसमें आपको अच्छा लगे, जो आपके पास अवेलेबल है उस पे बनाइए. ग्रीन कलर फर्स्ट प्रेफरेंस, रेड ब्लू कलर से लिख सकते हो. बिग बोल्ड लेटर्स में लिखना है ये मैसेज, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. हिंदी में लिखना है तो हिंदी की PDF खोल के आप लोग देख सकते हो, हिंदी की PDF में क्या है, स्वास्थ्य ही जीवन का उपहार है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही स्टेटमेंट है. उसको फिर ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आप उसको बार बार देख पाओ, और 4 बार तो कम से कम उसको देख के आपको धीरे धीरे पढ़ के बहुत सारा ग्रेटफुलनेस देना है, बहुत सारी कृतज्ञता महसूस करनी है. एनी क्वेश्चंस? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है आज की. तो ऑथर ने एक ही कार्ड बनाने के लिए बोला है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि 2 तो बनाइए कम से कम. मतलब कितना कमाल की चीज बनाई है भगवान ने, मशीनरी ये अपनी जो बनाई है, क्या 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 नहीं चल रहा है अभी ना. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि अभी मैं बात भी कर रही हूँ, अभी मुझे वहाँ साइड से जो ललित बात कर रहे हैं वो सुनाई भी दे रहा है, मुझे पता चल रहा है कि वो किससे बात कर रहे हैं, यहाँ नीचे मेरे पैर में क्या चल रहा है वो भी समझ में आ रहा है, मैं यहाँ टाइप भी कर रही हूँ, मैं नोट्स भी पढ़ रही हूँ, सब सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है मेरा, क्या कमाल है. यहाँ पे कितने मिलियंस ऑफ मैसेजेस एक साथ, सुपर्ब चीज बनाई है भगवान ने, सो शुक्रिया बनता है उसका. एनी क्वेश्चंस और एनी शेयरिंग्स जो पहले शेयर नहीं कर पाए थे? चिंकी, ओके नाउ टू शेयर? क्या सीमा जी? टुडे आई हैव अ क्वेश्चन. हां, सो कैन आई ली? यू हैव, सॉरी, व्हाट? कैन आई ली? नो क्वेश्चन. ओ ओके, या श्योर श्योर श्योर, ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. बाय बाय बाय, गुड नाइट. गुड नाइट. यस चिंकी, you able to share now the relationship wala? Yeah. It did feel good when I was writing, thinking about each person and writing. Aisa lagta ki matlab itni sari cheeze hai jo connected hai us person se, but we always fail to thank. So, lot of memories I love. But I couldn't do the exercise on time, just say morning, afternoon, evening. So because I had to go out, I couldn't do it at the intervals, proper intervals. But kiya maine. And one more thing, writing na mujhe thoda difficult aa raha hai, like count my blessings, because since I wake up late na, to matlab bahut shor sharaba hota hai aaju baaju. And that मेरा कॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी उठ जाता है, बहुत जल्दी, लाइक सेकंड्स, एंड दैट इज व्हाई आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू राइट. लाइक स्पेशली टुडे आई स्टार्टेड राइटिंग 4 या 5 कुछ लिखा एंड मॉम जस्ट एंटर्ड, सो आई हैड टू स्टॉप एंड आई हैड टू वेट फॉर हर टू लीव एंड देन स्टार्टेड राइटिंग. सो लाइक समझ गई. आपने वो ग्रेटिट्यूड वाला ऑडियो, सॉरी, वीडियो जो भेजा था वो सुना? तो उसमें से कुछ आइडियाज नहीं निकले कि मैं इसको भी कर सकती हूँ, मैं उसको भी कर सकती हूँ, थैंक यू? नहीं, ऐसे तो आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स टू थैंक फॉर, बट यू नो द कॉन्शियस माइंड वेक्स अप वेरी क्विकली.
वैसा लगता है आपको? बस आंखें खुल जाती है, एंड आंखें खुलने से पहले भी मतलब दिमाग तो जग जाता है मेरा। हाँ, ये कभी कभी मेरे साथ होता है, कुछ ना कुछ सोच चल रही होती है यहाँ पे, और जब मैं उठती हूँ तो ऐसे थकान सी महसूस होने लगती है किसी किसी दिन, जब मैं कुछ ज़्यादा ही, जैसे स्पेशली मेरे रजिस्ट्रेशंस जब तक नहीं होते हैं ना लोगों के, मेरा बैच जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मेरे कॉन्स्टेंटली एक टेंशन चलता रहता है कि अरे यार 5 लोग कहाँ से लाऊँ, ऐसे करो वैसे करो, ये टाइम चेंज करो वो टाइम चेंज करो, इसको पूछ लूँ उसको पूछ लूँ, अरे इसको फॉरवर्ड नहीं किया, ये नहीं किया। उफ, अभी जयपुर में मतलब ये टाइम पीरियड जयपुर में था, बहुत अनईजी रहता है, ये टेंशन से हो जाता है, बट देन ग्रेटिट्यूड ऑलवेज कम्स हैंडी, जो कि मैंने जयपुर में नहीं किया। मैंने भी 19 दिन की छुट्टी ले ली। क्योंकि वहां पे भी उठते ही ये वो फलाना ढिमकाना शुरू हो जाता हाँ, है। बिकॉज शोर शराबा इतना होता है, यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स कॉन्वर्जेशन, लिटरली दरवाजा बंद रहता फिर भी क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है मुझे, लाइक इतनी सी आवाज भी इतना जोर से सुनाई देता है, एंड यस, यू बी लाइक बाय द टाइम यू थिंक ऑफ नथिंग बट जस्ट पिक अप योर बुक एंड ओपन द बुक एंड स्टार्ट राइटिंग, 100 थॉट्स कम्स टू द माइंड, इट्स ओके इट्स ओके, कैसे रोकूं उसको और हाउ टू कंटिन्यू जस्ट रखो अवॉइड। कंटिन्यू रखो, वो वापस हैबिट, मतलब जैसे मेरी वापस हैबिट में आ गया अभी, वैसे आपके भी जल्दी से आ जाएगा हैबिट में, आते ही फिर तो लाइक 20 मिनट, 20 मिनट तो चाहिएंगे, फिर भी 20 मिनट में लिखती हूँ मैं, आदत हो नहीं गई लिखना है। वन दे स्टार्ट राइटिंग दिमाग में आता है कि इसको करना है उसको करना है उसको करना है उसको करना है, बट डिस्टर्बेंस एंड ऐसे दस वन मोर थॉट कांस्टेंट, यू नो कोई आ जाएगा कोई देख लेगा कोई आ जाएगा कोई देख लेगा, लाइक व्हाट आर यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग, वो दिमाग में रहता है। मेरी कॉपीज ऐसे खुली रह जाती थी, ऐसे ही रख देती हूँ मैं तो हमेशा, ललिता के उसको बंद कर देते हैं, बोलते हैं कॉपी कभी खुली नहीं छोड़नी चाहिए। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल आई हैव रिटन व्हिच माय कॉन्शियस माइंड सेज ही शुड नॉट रीड, बट ही इज अ गुड बॉय, ही डजंट रीड। आपके घर में एक ही हो जो जानता है कि आप क्या कर रहे हो, मेरे घर में नहीं जानते। या दैट इज द थिंग। अच्छा, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन हियर, लाइक ये जो एक्टिविटी है लाइक यू गाइस वर डिस्कसिंग, तो क्या ऐसा है कि हमें मतलब अलग होके करनी है या किसी को बताना नहीं है टाइप, ऐसा तो नहीं है? बिकॉज आई शेयर व्हाट आई एम डूइंग, इट्स ओके इट्स ओके, हाँ, बिकॉज आई लाइक टू टॉक एंड डिस्कस कि अच्छा ये करना है, ऐसे होता है वैसे होता है। पति से ही कर रही ये हो ना, आपका बाकी लोगों सिनेरियो? से नहीं हाँ कर हाँ रहा। नहीं 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 ये मेरा बस सिनेरियो अलग है। उसका सिनेरियो अलग है थोड़ा, घर हाँ नहीं नहीं वालों को और पता तो नहीं है कि क्या। वो ये कोर्स कर रही है, उसका अभी ऑफिस चालू है उधर, अच्छा हाँ, मैं काम भी कर रही हूँ। बॉटल रखी हुई है वहां पे, टाइप हो रहा ओके। और ना एक चीज और ये कि मैं इसको सुबह उठते ही नहीं कर पाती हूँ, जो आप कह रहे हो ना सबकॉन्शियस माइंड जब आपका एक्टिव होता है बिल्कुल सुबह या उठते, बिकॉज मेरी पता नहीं, एक तो मेरी नींद बहुत अच्छी है, मुझे मेरी रात को मेरी 3-4 बार नींद तो टूटती ही टूटती है, बड़ी मुश्किल से वापस आती है, और फिर मैं अगर सुबह उठती हूँ तो फिर मैं उठ के पानी वानी लेके गर्म करके और फिर अपना जो मेरा फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस है वहां जाके बैठती हूँ, फिर ही मैं लिख पाती हूँ। तो मैं ओके, मॉर्निंग में तो नहीं करती मैं, लेकिन 8-ish। एज अर्ली एज पॉसिबल लिखा है ऑथर ने, सो इट्स हाँ ओके ओके इट्स ओके, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, बट इट्स ओके। लाइक फर्स्ट बैच में व्हेन आई डिड, मैं तो रात को कर रही थी बिकॉज मेरे को हाँ समझ नहीं आई थी, इसकी लॉजिक नहीं समझ आई थी, बट व्हेन आई अंडरस्टूड द लॉजिक सेकेंड टाइम कि अरे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हो रही है ये, तब फिर मैंने सुबह करना शुरू किया ये। इट्स ओके ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर शेयरिंग्स? नो ओके, अभी मैं एक रिकॉर्डिंग स्टॉप करके कुछ बताती हूँ।